जनपद हापुड़ के नगर पंचायत बाबूगढ़ प्राथमिक विद्यालय के परिसर में पड़ा मलबा छात्रों शिक्षकों के लिए आफत बनता जा रहा है। यहां मलबे से अक्सर सांप निकल आते हैं, जिससे सभी डर के साए में हैं। लोगों ने मांग की है कि संबंधित विभाग इस ओर ध्यान दे। स्कूल में प्रॉब्लम यह है, ये हमारे नगर पंचायत बाबूगढ़ प्राथमिक विद्यालय है। इस विद्यालय के अंदर जो बिल्डिंग बनी थी पुरानी, वो तोड़ी गई, उसके बाद जो मलबा है वहीं पे पड़ा हुआ है। बरसात में कीड़े मकोड़े, अभी सांप निकला, इसमें छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, किसी दिन किसी बच्चे के साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो नगर पंचायत व हमारा इनसे जो शिक्षा विभाग के अधिकारियों से निवेदन है कि उक्त मलबे को या तो नीलाम कराया जाए या इसे यहाँ से उठवा के कहीं और परिवर्तित किया जाए, और यहाँ की साफ़ सफाई सही तरीके से कराई जाए, और बच्चों के लिए पानी की सुविधा और यहाँ जो मूलभूत सुविधा से जो बच्चों को नहीं मिल पा रही है उन सुविधाओं का देखते हुए व्यवस्था की जाए। बता दें कि नगर पंचायत बाबूगढ़ प्राथमिक विद्यालय में एक इमारत से निकला मलबा स्कूल के परिसर में ठिकाने लगा दिया। ऐसे में यहाँ कभी भी सांप निकल आते हैं, छात्र और शिक्षक डर के साए में जीने को मजबूर हैं। बता दें कि बरसात के मौसम में यहाँ पानी भर जाता है, जिससे बीमारियों का खतरा मंडराने लगता है। हम अपनी नहीं करवा सकते, ना मैडम करवा सकती है, हमें विभाग के आदमी। आगामी तो हमारे दौरे खड़ा, अब तुम आओ जल्दी से। अरे नहीं आ जाओ, कोई बात ना, 5 मिनट के लिए। हम अपनी नहीं करवा सकते, ना मैडम करवा सकती है, हमें विवाह के आदमी। आगामी तो हमारे दौरे खड़ा, अब तुम आओ जल्दी से। अरे नहीं आ जाओ, कोई बात ना, 5 मिनट के लिए। हम अपनी नहीं करवा सकते, ना मैडम करवा सकती है, हमें विवाह के आदमी।